ब्रेकअप व्हाट आर दी सेवन सब्सिडी, पहला आता है परचेज की, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऐसे क्यों होता इधर नहीं जर्नल प्रो, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विल गो इन परचेज बुक, ठीक है सुना। दूसरा होता है सेल्स बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सिर्फ गुड्स, ऐसे इतना ही सिर्फ गुड्स, गुड्स क्रेडिट पे खरीदा तो परचेज बुक, क्रेडिट पे बेचा तो सेल्स बुक। व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक, गुड्स रिटर्न बाय अस, जो भी माल हमने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया, आपको मैंने अभी भी बताया रिटर्न्स आर जनरली ऑन क्रेडिट, आप माल रिटर्न करोगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, माल रिप्लेस करके मिलेगा, तो ये जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय देम या कस्टमर, इज दिस क्लियर। तो ये चारों बुक्स किसके लिए डेडिकेटेड है, सिर्फ गुड्स के, और वो भी क्रेडिट वाले। क्यों ऐसा, क्योंकि जनरली ट्रेडिंग बिजनेस में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैपन ऑन क्रेडिट, 10-15% कैश पे होता है, 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन हैपन ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट परचेज ये पूरा कवर हो गया, क्रेडिट सेल ये पूरा कवर हो गया, रिटर्न्स में ये दोनों ने ले लिया, तो मोटा मोटी 90% आपके बिजनेस के वॉल्यूम्स ये चार बुक हैंडल कर लेते हैं। देखो एसेट आप घड़ी घड़ी खरीदने वाले नहीं हो, लोन्स आप घड़ी घड़ी लेने वाले नहीं हो, कैपिटल घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, तो मोटा मोटी जो ट्रांजैक्शन है दिन भर बिजनेस में क्या होने वाला है, परचेज से परचेज से परचेज से परचेज से, बाकी महीने में एक बार टेलीफोन बिल पे करोगे, रेंट पे करोगे, कुछ और एक्सपेंस होगा, स्टेशनरी वगैरह आप करोगे, तो एक्सपेंस इनकम होते हैं बट इतने ज्यादा वॉल्यूम्स में होते नहीं। 90% बिजनेस के वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स किसके होते हैं, गुड्स के होते हैं, तो वो मेजॉरिटी वॉल्यूम कवर करने के लिए ये चार बुक बनाए गए, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये चारों बुक में क्या रिकॉर्ड करना है आपको, सिर्फ गुड्स, और वो भी किस पे, क्रेडिट, क्रेडिट पे। पांचवी बुक आप बनाते हो दैट इज कैश बुक, हमने शेयर्स के वक्त बनाई थी एक्स्ट्रैक्ट कैश बुक, एक्स्ट्रैक्ट कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इसके लिए अलग से जर्नल बना दी गई है, कैश कैश एंड बैंक एंट्रीज। उसके बाद होता है एक पेटी कैश बुक, इसमें क्या होता है, छोटू कैश ट्रांजैक्शन, छोटा अमाउंट का कैश ट्रांजैक्शन, स्टेशनरी, कोई भी बिजनेस, वो बिजनेस की टू बिजनेस डिपेंड करता है, किसी बिजनेस के लिए स्टेशनरी छोटा है, किसी बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग छोटा है, किसी बिजनेस के लिए इंटरनेट चार्जेस छोटा है, किसी बिजनेस के लिए कन्वेंस छोटा है, डिपेंड्स ऑन दैट बिजनेस, ओके, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम पेटी कैश बुक करेंगे। तो पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है, टू रिकॉर्ड ऑल द स्मॉल वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन, बिग वैल्यू किसमें जाते हैं, कैश, स्मॉल वैल्यू पेटी कैश, क्योंकि जब साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ जाती है ना, तो बड़े अमाउंट के भी ट्रांजैक्शन होते हैं, छोटे अमाउंट के भी होते हैं, वो दोनों को अगर आप एक बुक में रखोगे तो वापस एनालिसिस करते वक्त आपको लैक्स ऑफ रुपीस के भी अमाउंट दिख रहे हैं और 100, 200, 500, 1000 के भी दिख रहे हैं, इट बिकम्स अ टीडियस थिंग, उस दोनों को भी आप सेपरेट कर लेते हो। बड़े अमाउंट कैश बुक में उसका जवाबदारी मेन कैशियर को दे देते हो, चीफ कैशियर संभालेगा उसको, छोटा कैश बुक दे देते हो पेटी कैशियर, वो पेटी कैश दिखेगा, इज दिस क्लियर। सो सब डिविजन जितना करते जाओगे काम अच्छे से होगा। एंड द लास्ट बुक विच यू हैव इन प्रैक्टिकली दैट इज जर्नल प्रॉपर, इनफैक्ट ये जो सिंगल जर्नल था ना वो भी कन्वर्ट हो गया है जर्नल प्रॉपर, जेपी जर्नल प्रॉपर। व्हाट इज दिस जर्नल, इस जर्नल प्रॉपर क्या रिकॉर्ड करता है, जो ट्रांजेक्शन ये सब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो इसमें चले जाएंगे, दिस इज बेसिकली सार्वजनिक, इसमें जो ट्रांजेक्शन आप ऊपर वाले बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो सब चले जाते हैं जर्नल प्रॉपर में। एग्जाम्पल्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट किसमें जाएगा, यही बचा ना, वेर डू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ एसेट, कैश बुक, वेर डू रिकॉर्ड कैश पर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट जर्नल प्रॉपर, और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट ये भी किसमें जाएगा, जर्नल प्रॉपर, और सोचो सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट, गुड्स है तो ऊपर
एसेट है तो नीचे जर्नल प्रॉपर. और कौन से वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शन जा सकते हैं? आपने लोन लिया है तो कैश टू लोन हो जाएगा, वो तो कैश बुक में जाएगा. क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में होता है. सेल ऑफ एसेट तो लिखा क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट. और वेरी गुड, प्रोविजन क्रिएटेड, आरडीडी क्रिएट करनी थी, पीएनएल टू आरडीडी, पीएनएल टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, ये सब प्रोविजन क्रिएशन, ये सब किसमें जाएगा? जर्नल प्रॉपर. और ट्रांसफर, वेरी गुड, ट्रांसफर एंट्रीज इलेवेंथ में किए थे हमने, ट्रेडिंग टू परचेज, ट्रेडिंग टू वेजेस, क्लोजिंग एंट्रीज, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल टू सैलरी, डिविडेंड टू पीएनएल. वापस आएगा अगर याद नहीं आ रहा है, ओके. सो विल लर्न दोस ट्रांसफर एंट्रीज, ट्रेडिंग टू परचेज, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं ना ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट्स, पीएनएल में टू डेप्री, पीएनएल में टू सैलरी, डिविडेंड टू पीएनएल, इंटरेस्ट रिसीव टू पीएनएल, रेंट रिसीव टू पीएनएल, सेल्स टू ट्रेडिंग, ये सबको ट्रांसफर एंट्रीज कहा जाता है. तो बेसिकली क्लोजिंग एंट्रीज या ट्रांसफर एंट्रीज, वेरी गुड, ये भी जाएंगे आपके जर्नल प्रॉपर में. क्लोजिंग एंट्री जैसे जाते हैं ना, वैसे ओपनिंग एंट्री भी जाते हैं. आपने सीखा होगा ओपनिंग एंट्री इलेवेंथ में, एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, सब बैलेंस लेके आते हो लास्ट ईयर से, बड़ी सी जर्नल एंट्री बनती थी शुरू में, ये तो था ही, ये सबको था जर्नल में. ओपनिंग टू ओपनिंग एसेट कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, टू लायबिलिटी क्रेडिटर्स, लोन्स, टू कैपिटल, बड़ा सा ओपनिंग एंट्री पास करते थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो भी जाता है जर्नल प्रॉपर में. ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ये सब जर्नल प्रॉपर. रेक्टिफिकेशन किया आपने, रेक्टिफिकेशन एंट्री किसमें जाती है? जर्नल प्रॉपर. देखो आप इसमें कुछ याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस यूज करो. क्या ये कोई एंट्रीज यहाँ पे घुस सकती है? नहीं. क्या ये परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक में जा सकती है? क्या ये गुड्स रिलेटेड है? नहीं. तो ये किसमें घुसेंगी? जर्नल प्रॉपर, सिंपल एज दैट. और क्या जाएगा? अभी अभी आपने किया नॉन कैश एक्सपेंसिस, बैड डेट. What is the entry for bad debt? Bad debt to debtor. Discount allowed. Discount allowed to debtor. Loss by fire. Loss by fire to purchase. ये सब entry किधर घुसा होगा? इसमें. Can we put bad debts की entry ये चार books में? No. Can it go in cash, petty cash? No. Cash तो है नहीं, petty cash मॉल नहीं है. So non-cash expense. Non-cash expense. ये भी जाते हैं journal proper में. Non-cash incomes. Non-cash इनकम, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये किसमें जाते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम, ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन, ओके, क्रेडिट परचेज, सेल ऑफ एसेट, ये सब किसमें जाएंगे? जर्नल प्रॉपर. ये सात बुक्स हम लोग प्रैक्टिकली बनाते हैं. इसको छोड़ के भी और तीन बुक्स है थियोरी में, उनका नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक, सब एक्सचेंज किया है, बिल्स पेएबल बुक, and there is a bank book. There is a bank book. Bills receivable book में क्या होता है? All the acceptances. अगर आपके business में बहुत सारे debtors ने BR accept किया है, तो उनके नाम की list आप BR book में दिखा दो. खाली acceptances लिखते हैं उसमें. कौन से debtor ने BR accept किया है, वो सब debtor की नाम की list होती है BR. फिर आप अलग से वो entry नहीं बांटते, BR to acceptor, BR to acceptor, BR. सीधा एक journal में सब के नाम लिख देते हो. आपने बहुत सारे bills accept किए हैं, तो उसको डाल देते हो bills पेबल बुक. बैंक बुक काय के लिए होता है? कोई कोई बिजनेस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो कैश बुक में आपने देखा होगा कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम होता है. तो अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो मल्टीपल बैंक कॉलम्स हो जाते हैं, तो आप कैश बुक के भी दो टुकड़े कर देते हैं. कैश बुक में बिग वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन और बैंक बुक में बिग वैल्यू बैंक ट्रांजैक्शन. इज इट क्लियर? उसको कहा जाता है बैंक बुक. आपके दो तीन बैंक अकाउंट, एक कोटक में, HDFC में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो तीन कॉलम की आपकी बैंक बुक बन जाएगी, उसमें सिर्फ बैंक रिलेटेड एंट्रीज दिखेंगे. इज दिस क्लियर? सो बैंक बुक, बीपी बुक, बीआर बुक, ये सिर्फ थियोरी के लिए, सॉल्व करने के लिए ये सात सब्सिडरीज है. टेल मी व्हिच एंड व्हाट टाइप ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट एसेट दिखता नहीं है. सेल्स बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, चारों बुक्स किसके लिए डेडिकेटेड है? गुड्स एंड गुड्स. क्लियर? फिर आता है कैश बुक.
Cash and bank transactions. Big values or small values? Big values. Petty cash book. Small value cash transactions. And the last? Sarvajanik. Jo entries ki darbhi fit nahi hota hai, wo dal dene ka. Now? Ab shuru karte hain first part of subsidiary, which involves these four books. Purchase book, sales book, purchase return and sales return. The second part will have cash and book. Yes! Awesome. Income receivable की entry क्या होती है? Basically all adjustment entries. जितने भी adjustment entries होते हैं वो भी किस में जाते हैं? Journal proper. What is the entry for income receivable? Income receivable to income. Can it go in any of the four books? Can it go in cash or petty cash? Journal proper. Income receivable जैसा outstanding expense होता है. Outstanding expense की entry. Expense to outstanding expense. That also will go in. BR dishonored, Droid to BR, acceptor to BR, that goes in journal proper. BP dishonored, BP to creditor, that goes in journal proper. BR book, BP book में दिखता है, लेकिन खाली acceptances. Honor dishonored की entry वहाँ पे दिखती? Honor की जाती है cash book, BP to cash, cash to BR. Okay, dishonored की entry जाती है JP. Is this clear? अब करते हैं हम लोग ये चार बुक पे फोकस. पहले चार बुक परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक. सो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू टेक. जर्नल लिखना पड़ेगा? नहीं, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है. याद होगा आपको, अभी अभी हमने इसमें भी किया था, सेल और रिटर्न में. याद है हमने बनाया था सेल और रिटर्न, डेबू, गुड्स रिटर्न, गुड्स एक्सेप्टेड, ओके, एक्सेप्ट रिजेक्ट. हाँ, एक्सेप्ट रिजेक्ट, वो वाला. वैसा ही फॉर्मेट है सब्सिडरी बुक्स का. देखो ध्यान से, बैड डेट्स रिकवरी, रिकवरी इज कैश बुक, कैश टू बैड डेट रिकवरी. कैश और बैड डेट टू कैश बुक, फिनिश. नॉन कैश है तो इधर नॉन कैश आइटम्स विल गो इन जर्नल प्रॉपर. देखो, आप में से किसी ने टैली का कोर्स किया बाय एनी चांस? अभी तक नहीं किया, नहीं किया ना किसी ने? अब कर लेना. जैसे फाउंडेशन आपका हो जाए, सॉफ्टवेयर होता है. सॉरी, पूछा ना क्या? टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये एमटी का कंप्यूटर पर रिकॉर्ड. ओके, तो उसका एक छोटा सा कोर्स है. एक्चुअली तो पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे. आपको ऐसे ही करना तो ऐसे ही सीख सकते हो. बट वो ऑनलाइन वाली चीज पता नहीं क्यों करते नहीं है, पब्लिक होती नहीं है या आलस में रह जाती है. तो आप एक दो महीने का एक बेसिक कर लो. इधर राज कंप्यूटर्स में भी होता है, घाटकोपर में, और एक वो ब्राह्मण समाज में भी होता है. तो बेसिक एक कोर्स टैली का, क्योंकि सीए कर रहे हो तो ये दो कोर्सेस चाहिए आपको, एक टैली, दूसरा एक्सेल. पूरी लाइफ इसके बीच में ही जाने वाली. टैली एंड एमएस एक्सेल, माई बाप है वो आपका. ओके, वो उसका नॉलेज इन कोर इन डेप्थ एकदम परफेक्टली आना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि वो लेमैन के जैसा एंट्री डालते रहो 100 साल तक करते रहो. ऑल द शॉर्टकट्स वे यू नीड टू नो बेसिकली इन एमएस एक्सेल. ओके, और अभी तो ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है कि टैली टू एक्सेल आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा. तो आप सीए बन गए हो और आपको अकाउंट चेक वगैरह करने हैं, पूरा लमसम बल्क ऑफ डेटा आप सीधा एक्सेल टू टैली में आप ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कि कन्वर्ट कर देते हो, फिर एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत इजी हो जाती है. वो सब शॉर्टकट्स वगैरह लर्न करके बेसिक एक कोर्स कर लो पहले, एक दो महीने में हो जाएगा. और उसके बाद आगे का डिटेल जो भी चाहिए सब ऑनलाइन अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. इज दिस क्लियर? वो आप बाद में धीरे धीरे डेप्थ का पढ़ सकते हो. बेसिक करके रखना, फाउंडेशन होने के बाद करोगे तो भी चलेगा, बट करके रखना. उधर भी पढ़ाते हैं आपको, सीए इंटर में आपका आईटीटी ट्रेनिंग होता है, जीएमसीएस वगैरह, उसमें होता है 50 या 100 आवर्स का आईटी ट्रेनिंग होता है. उधर भी होता है ये, बट एकदम डेप्थ में करवाने वो टाइम पास ही होता है. अभी खाली मिलता है, आपने भी आपके सीनियर्स के फोटो वोटो देखे होंगे, खाली फॉर्मल्स में जाके फोटो खिंचवाने के लिए रहते हैं. ओके, सो उधर ज्यादा पढ़ाई होगा नहीं, तो कोर्स अलग से कर लेना. अभी सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक,
सेल्स बुक, परचेज, रिटर्न्स बुक, एक ही साइड पे चारों ड्रॉ कर लो, ड्रॉ ऑल फोर ऑन वन साइड. व्हाट हैपेंड? अब देवांश थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट है. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, ड्रॉ कर. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न. हाँ, बेस है इसका. मैं हेड्स लिख रहा हूँ भाई. ये आएगा डेट और इधर आएगा नेम ऑफ द सप्लायर, इधर आएगा इनवॉइस, इनवॉइस नंबर, एलएफ अमाउंट. एलएफ माने जर्नल है ना, दिस इज सब डिविजन ऑफ जर्नल. ये जर्नल है. नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड अमाउंट. एंड अगेन डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर एंड अमाउंट. एंड डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ एंड पांच मिनट. बेबी स्टेप ले रहा है फटाफट. पास भाई, इतना क्या टाइम लगा रहा है? हाथ दुखी क्या? राइट फास्ट इम्पोर्टेंट. देखो क्या लिखा है अपने परचेज बुक में. नेम ऑफ द सप्लायर सुनते जाओ और देखते जाओ. परचेज बुक में क्या ये लिखा हुआ है? इनवर्ड इनवॉइस नंबर. कैन यू सी दिस? आपको उन्हें बताया जाए एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. भी बुक कीपिंग में आप रिकॉर्ड कर रहे हो कुछ भी, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है. तो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट? बिल नंबर. दैट बिल इज कॉल्ड एज इनवॉइस, इनवर्ड इनवॉइस नंबर. ओके, व्हाट इज दिस आउटवर्ड इनवॉइस? आप सेलर हो तो आप बिल बना के सेंड करो, ये आपका प्रूफ हो गया. व्हाट इज अ डेबिट नोट एंड अ क्रेडिट नोट? यू नो व्हाट इज अ डेबिट नोट? हम देंगे. हाँ, जब आप रिटर्न करते हो ना गुड्स, उसके साथ आप क्या चिपका के भेजते हो? डेबिट नोट. हाँ, मिलेगा क्रेडिट नोट, सेंड करोगे डेबिट नोट. क्यों? देखो आपकी एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न्स की? थोड़ी सा जर्नल एंट्री को परचेज रिटर्न, डेटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, पार्टी टू परचेज रिटर्न. तो पार्टी का अकाउंट क्या कर रहे हो आप? डेबिट. तो आप उसको इंटीमेट कर रहे हो कि भाई हमने आपका अकाउंट डेबिट किया है. क्यों? क्योंकि ये डिफेक्टिव गुड्स हम आपको वापस कर रहे हैं. तो डेबिट नोट भेजने का मतलब आप उसका अकाउंट डेबिट कर रहे हो. डेबिट नोट भेजने का मतलब आप उसका अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कम कर रहे हो, उसको पैसा देने का कम कर रहे हो. और आप डेबिट नोट भेजोगे तो वो क्या भेजेगा आपको? क्योंकि आपके लिए जो परचेज रिटर्न है उसके लिए. तो इमेजिन करो हमारे लिए कुछ सेल्स रिटर्न, हम क्या भेजेंगे? क्रेडिट. और हमें क्या मिलेगा? व्हाई वी विल सेंड अ क्रेडिट नोट? यू फ्रेम द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न. व्हाट इज एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न टू पार्टी. तो पार्टी को क्या किया? क्रेडिट. उसका प्रूफ हमने भेज दिया कि भैया आपका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है. तो बिजनेस में बहुत बारी ऐसा होता है
कि पैसे का व्यवहार नहीं होता है। अगर मेरे को आपको समझो 5,000 रुपए देने हैं, कुछ पेंडिंग है, आई हैव टू पे यू 5,000, आई सेंड यू अ क्रेडिट नोट, आई सेंड यू अ क्रेडिट नोट कि भैया मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, ओके मैंने आपको 5,000 रुपए देने बाकी है। तो फ्यूचर में जब आपसे गुड्स खरीदूंगा अभी कम में, तब उतना पैसा मैं आपको एक्स्ट्रा करके दे दूंगा, या आपको बेचूंगा तो उतना काट के ले दूंगा, दैट इज द मीनिंग। तो ये डेबिट क्रेडिट नोट का व्यवहार बहुत बारी चलते रहता है बिजनेस में। आप किसी को डेबिट नोट दे रहे हो तो आप उसका अकाउंट क्या कर रहे हो, डेबिट कम कर, पैसा देने का कम कर, और आप किसी को क्रेडिट नोट दे रहे हो मतलब आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर बढ़ा रहे हो, तो फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, ऐसा लायबिलिटी बढ़ेगी। ओके प्रूफ, वैलिड प्रूफ इसके लिए, ये सब में ना सबसे इम्पोर्टेंट वैलिड प्रूफ होता है खाली आपका बिल्स, क्योंकि वो सामने वाले पार्टी से आता है। जो हब खुद बना के बेचते हो दैट इज रेयरली कंसिडर्ड एज अ वैलिड प्रूफ, लेकिन यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आप हाँ आपके डेबिट नोट के सामने सामने वाले का क्रेडिट नोट, दैट इज अ वैलिड प्रूफ। हाँ नहीं, इधर हमारा ही नंबर जो लिखना है ना, हम जो बना रहे हैं उसका नंबर जाना है, बट ऑडिट करते वक्त आपको चेक करनी है अगर ट्रेड और ट्रांजैक्शन, तो आपका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट उतना मैटर नहीं करता, सामने से आया हुआ डॉक्यूमेंट मैटर। केस ऑफ परचेज रिटर्न लुक फॉर क्रेडिट नोट, केस ऑफ सेल्स रिटर्न लुक फॉर डेबिट नोट, बट लिखते वक्त हम जो डॉक्यूमेंट बना के लिखते हैं उसी का नंबर लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या सेंड किया हुआ, परचेज रिटर्न के वक्त डेबिट, और हमने यहाँ पे क्या सेंड किया हुआ है क्रेडिट, बाकी हमारा बनाया हुआ शायद फेक भी हो सकता है, प्रूफ बेसलेस भी हो सकता है, इसके लिए सामने वाले की क्रॉस चेकिंग वाला डॉक्यूमेंट देखा जाता। तो इन शॉर्ट सेल्स के वक्त व्हाट डू यू सेंड, आउटवर्ड इनवॉइस, परचेज रिटर्न के वक्त यू सेंड डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के वक्त यू सेंड क्रेडिट नोट, परचेज के वक्त यू डोंट सेंड एनीथिंग, ओनली गेट, दैट इज द बिल यू गेट, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, यू आर गेटिंग द बिल फ्रॉम दैट सामने वाला पार्टी, जो उसके लिए आउटवर्ड है वो आपके लिए इनवर्ड, दैट इज योर परचेज। सो ये ट्रांजेक्शन कभी कभी सीधे दे देते हैं, कभी कभी ऐसे घुमा के दे देते, क्या देंगे आपको सुनो, आपको बोलेंगे रिसीव्ड एन इनवॉइस, व्हाट डू मीन बाय रिसीव्ड एन इनवॉइस, क्रेडिट परचेज, सेंट एन इनवॉइस, क्रेडिट सेल्स, सेंट अ डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, सेंट अ डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, सेंट अ क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, रिसीव्ड अ डेबिट नोट मतलब रिसीव्ड अ डेबिट नोट मतलब सेंट अ क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न, रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट मतलब सेंट अ डेबिट मतलब परचेज रिटर्न, समझ रहे? सामने वाला पार्टी रिसीव्ड अ डेबिट नोट, वी गेव अ डेबिट नोट, दैट्स व्हाई रिसीव्ड अ डेबिट नोट, सो दैट इज परचेज रिटर्न, सामने वाला पार्टी रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, सो वी गेव अ क्रेडिट नोट, सो दैट इज सेल्स रिटर्न, रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट मतलब आपने सेंड किया, तो परचेज रिटर्न, रिसीव